नमस्ते बच्चों कैसे हैं टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द थिंग्स एक्सपांडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म प्लेस वैल्यू एंड फ्लेस फेस वैल्यू दिस इज द सेकंड लेसन ऑफ द क्लास थर्ड फन विद नंबर्स ऑफ सी बी एस सिलेबस एन सी आर सिलेबस और केंद्रीय विद्यालय सो वी आर गोइंग टू Discuss in detail about these things. Be ready for that. Watch complete video at least two to three times so you can get the complete idea and understanding about the concept. Like the video, share the video, and subscribe the channel now. Let's go on. First one. First we learn about expanded form. एक्सपांडेड फॉर्म वॉट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपांशन एक्सपांड एक्सपांड जो वर्ड है ना बच्चों इसका मीनिंग क्या है एक्सपांड का मीनिंग होता है तोड़ फोड़ के अलग अलग कर देना अब यहाँ पर हम तोड़ेंगे किस को फोड़ेंगे किस को तो नंबर को तोड़ेंगे कैसे जैसे हमने लिखा है वैसे मतलब कैसे देखिए एक सिंपल नंबर लेते हैं ट्वेंटी टू देखिए हमने इसको कैसे पढ़ा हमने पढ़ा ट्वेंटी टू तो हमें पहले लिखना है ट्वेंटी बाद में लिखना है टू फर्स्ट वी शूड राय ट्वेंटी उसके बाद लिखना है टू ठीक है अब ये बताइए कि ये ट्वेंटी में कितने टेन हैं वन टेन मतलब टेन टू टेन मतलब ट्वेंटी थ्री टेन मतलब थर्टी फोर टेन मतलब फोर्टी टेन मतलब फिफ्टी इस हिसाब से या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू टेन क्या लिख सकते हैं इसको हम इसको हम लिख सकते हैं टू टेन टू टेंस एंड टू वंस वंस टेंस आता है कि नहीं आपको पक्का आता होगा इस नंबर को हम वंश कहते हैं इसको हम कहते हैं वंश और उसके पीछे वाले को हम कहते हैं टेंस वंश इसलिए कितने वंश है यहां पर टू वंश कितने टेंस है टू टेंस तो हमने पहले टू वंस लिखे उसके बाद टू टेंस आशन, लिखे चलिए बच्चों और कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा राइट द न्यू मरल्स इन एक्सपांडेड फॉर्म हेडिंग क्या है आपकी हेडिंग ऐसी है राइट द न्यू मरल्स इन एक्सपांडेड फॉर्म राइट द न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म पहला एग्जाम्पल है थर्टी सेवन कैसे लिखेंगे हम इसे पढ़ा कैसे थर्टी सेवन मतलब कितने टेंस थ्री टेंस थर्टी एंड उसके आगे लिखना है प्लस करके सेवन वंस थ्री टेंस सेवन वंस इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं थर्टी प्लस सेवन थर्टी प्लस सेवन सेकेंड एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल वन हंड्रेड एटी सेवन अभी देखिए ध्यान से देखिएगा कितना नंबर को ध्यान से पढ़िएगा वन हंड्रेड है ना वन हंड्रेड तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा वन हंड्रेड वन हंड्रेड उसके बाद है एटी एटी मतलब एट टेंस एटी मतलब एट टेंस एटी मतलब एट टेंस प्लस उसके बाद हम लास्ट को कहते हैं वंस तो सेवन वंस आया समझ में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हंड्रेड प्लस एटी प्लस सेवन हंड्रेड प्लस एटी प्लस सेवन थर्ड एग्जांपल टू हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन रीड इट केयरफुली टू हंड्रेड कितने हंड्रेड है बच्चों तो यहां हमारे पास है टू हंड्रेड टू हंड्रेड टू हंड्रेड सेवेंटी नाइन सेवनटी मतलब कितने टेन आ गए सेवन सेवन टेंस प्लस नाइन वंस टू हंड्रेड प्लस सेवन टेंस टू हंड्रेड प्लस सेवन टेंस प्लस नाइन वंस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे टू हंड्रेड मतलब टू हंड्रेड लिख दिया ये तो ऊपर वाला वार्ड में हो गया नीचे वाला नंबर में हो गया सेवन टेन मतलब सेवनटी प्लस नाइन तो आप कहोगे सर आप तो दोनों तरफ से लिख रहे हो इसी भी फॉर्म में लिख रहे हो वर्ड फॉर्म में भी और नंबर फॉर्म में भी या डिजिटल फॉर्म तो हम एग्जाम में कौन से फॉर्म में लिखेंगे तो एग्जाम में आप ये वाले फॉर्म में लिखना ये नीचे वाला फॉर्म माना जाता है ऐसे भी लिखा तो गलत नहीं होता है लेकिन फोर्थ क्लास ऑनवर्ड्स आपको ये नीचे वाला लिखना होता है इसको नहीं ये आपको समझने के लिए है ये इसके लिए एग्जाम में आप इस फॉर्म में ही लिखोगे यू शुड राइट द एंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम इन दिस फॉर्म फॉर थर्ड क्लास दिस फॉर्म ऑल्सो अलाउड बट दिस फॉर्म इज एक्सप्लेन जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट सो इन द एग्जाम यू शुड राइट इन दिस फॉर्म ओनली कम टू द एग्जाम्पल फोर वन नाइन हंड्रेड एटी सेवन नाइन हंड्रेड एटी सेवन सो नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड प्लस एट टेंस क्योंकि एटी मतलब एट टेंस होता है प्लस सेवन वंस सेवन वंस उसको ये हम लिखेंगे ये नाइन हंड्रेड प्लस एटी प्लस सेवन बच्चों बहुत आसान है जैसे पढ़ेंगे वैसे लिखेंगे नाइन हंड्रेड एटी देखिए नाइन हंड्रेड पढ़ा नाइन हंड्रेड लिखा मीन यू हैव टू राइट वॉट यू हैव टू रीड वेन यू आर गोइंग टू रीड दिस नंबर इट इज नाइन हंड्रेड सो नाइन हंड्रेड 80, so it is 80. 7, it is 7. नाइन हंड्रेड एटी सेवन फिफ्थ आप कहेंगे सर इसको कैसे लिखेंगे है ना बीच में जीरो आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे देखो पहला तो है 600. First फर्स्ट वन इज सिक्स हंड्रेड देन यू शूड राइट इज दिक्स सिक्स हंड्रेड प्लस अब जीरो टेंस आएगा लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है चाहे तो आप लिख सकते हैं जीरो टेंस प्लस वन वंस वन वंस इसका फाइनल आंसर कैसे होगा सिक्स हंड्रेड प्लस जीरो प्लस वन इफ यू कैन राइट द जीरो और नॉट नो प्रॉब्लम बट इफ यू हैव अ कंफ्यूजन अबाउट द जीरो सो राइट इट डाउन तो योर आंसर विल नॉट बी एनी कॉम्प्लिकेशंस और एनी मिस्टेक्स सो सिक्स हंड्रेड जीरो टेंस वन वंस इट मीन्स सिक्स हंड्रेड प्लस जीरो प्लस वन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे सिक्स हंड्रेड प्लस वन आप इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल थ्री हंड्रेड फिफ्टीन कैसे लिखेंगे थ्री हंड्रेड वन सॉरी यहाँ प्लस लिखना भूल गया वन टेंस प्लस फाइव इसको नंबर में लिखना है बच्चों थ्री हंड्रेड प्लस टेन प्लस वाई नेक्स्ट वन सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी अब यहाँ जीरो आ गया वंस प्लेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं टेंशन नहीं लेने का जैसे वैसे लिखना है तो हमें क्या लिखना है इसका आंसर हमें देखिए सिक्स हंड्रेड वो तो हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे लिख रहे हैं सिक्स हंड्रेड लिखा प्लस टू वंस वंस टू है अब जीरो वन सॉरी 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 ये टू टेंस है बच्चों सॉरी टू टेंस है प्लस जीरो वंस है जीरो वंस है तो आप कहोगे सर इसको लिखना है कि नहीं लिखा है लिखा तो चलेगा नहीं लिखा तो भी चलेगा मैं बिना लिखे आंसर लिख रहा हूं सिक्स हंड्रेड प्लस ट्वेंटी आगे वाला प्लस जीरो लिखा तो ओके नहीं लिखा तो भी ओके आया सोच बच्चों आपको किस तरह से हमें आंसर लिखना है हमने छः सात आंसर इसके क्वेश्चन एग्जांपल्स कर लिए हैं तो मुझे लगता है कि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया हो अगर नहीं आता है तो यही जब वीडियो आप देखेंगे यही एग्जांपल्स को आप बार बार देखिए बस एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ फिर आगे दूसरा कंसेप्ट चलेंगे हम कई बच्चे सोचेंगे कि सर अगर जीरो टू सेवन आया तो ना तो यहाँ पे हंड्रेड प्लस पे जीरो है लेकिन मैंने पहले भी बताया था बच्चों आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हेन यू राइट जीरो फर्स्ट डिजिट एज एंड नो नंबर बिहाइंड इट हमने शुरुआत में जीरो लिखा उसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो ये जीरो बच्चों जीरो है मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है जिसको हम ट्वेंटी सेवन ही पढ़ना है नो नीड टू रीड ऐट द जीरो हंड्रेड ट्वेंटी सेवन जीरो इज जीरो है ना इसके लिए इसको ट्वेंटी सेवन ही पढ़ेंगे आप कोई बच्चे कह सकते हैं सर ऐसे आया तो जीरो 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 थ्री सेवन वन तो क्या करें तो मैंने वही रूल बताया आपको बच्चों इफ़ देर आर सो वन जीरो टू और सो मनी जीरोज बिफोर स्टार्टिंग अनदर डिजिट अनदर मतलब एक्सेप्ट जीरो जीरो के पहले जो दूसरे डिजिट हम लिखते हैं उसके पहले अगर सिर्फ जीरो है और यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है यहाँ पर मतलब जीरो छोड़ के जीरो छोड़ के और कोई डिजिट नहीं है वन टू नाइन कोई नहीं है ना तो ये सारे के सारे मीनिंगस हो गए ये सारे के सारे मीनिंगलेस हो गए अगर ऐसा होता ना वन जीरो 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 थ्री सेवन वन तो ये मीनिंगफुल है ये सही है रीज़न इज वन हीज हेयर एक्सेप्ट जीरो वी हैव टू राइट डिजिट बिफोर दैट जीरो को छोड़ के हमें दूसरा डिजिट यहाँ लिखना है अगर हम नहीं लिखेंगे तो जो जीरोज़ हैं वो वैल्यू लेस हो जाते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है क्लियर तो तैयार हो जाइए उसके लिए समझ लीजिएगा तो हमें इस एग्जांपल का ऐसे ही आंसर लिखना है ट्वेंटी प्लस सेवन मतलब टू टेंस प्लस वन सेवन वंस टू टेंस प्लस सेवन वंस तो आप समझ गए होंगे और थ्री सेवेंटी वन का आंसर हमें ऐसे लिखना है थ्री इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों मैं लिख रहा हूं यहां पर थ्री हंड्रेड प्लस सेवेंटी प्लस वन थ्री हंड्रेड प्लस सेवेंटी प्लस वन क्लियर आपको आ रहा है समझ में अच्छे से टुडे नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्लेस वैल्यू वट इज़ द प्लेस वैल्यू प्लेस का मतलब क्या है पहले बच्चों समझ लो प्लेस मतलब जगह है ना हम कहते हैं ना कि आप कहाँ रहते हो भाई कौन से गांव में रहते हो कौन से शहर में रहते हो अगर हम दूसरे कंट्री में घूमने गए तो वहाँ बोलो आप किस कंट्री से हो तो इस तरह से प्लेस मतलब जगह बट यहाँ पर हम जो और पे जगह है या गांव में अपना घर है उसके बारे में नहीं बात करेंगे तो प्लेस मतलब यहाँ पर प्लेस वैल्यू आपको पता है कि हमारे पास डिजिट्स है कितने डिजिट्स हैं पता है आपको ना टोटल डिजिट्स है टेन कौन से कौन से हैं ये भी आपको पता है एक बार लिखता हूँ वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन एंड जीरो बच्चों ये सारे डिजिट्स हैं ये टोटल दस डिजिट हैं है ना मैंने कल भी आपको बताया था पहले वीडियो में भी इस वीडियो में बताया था कि नंबर कैसे बनता है तो so, डिजिट्स को लिख के नंबर बनता है है ना? तो ये एक एक डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है पर कहाँ पर है नंबर में प्लेस वैल्यू कहाँ पर नंबर में ठीक है सो so, प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन नंबर प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन हर एक डिजिट की नंबर में क्या वैल्यू है नंबर में क्या प्लेस है जैसे हमारे अपने सोसाइटी में प्लेस है हमारे अपने क्लास में अपनी प्लेस है वैसे हर एक डिजिट की उस नंबर में क्या प्लेस है ठीक है तो चलिए एक एक एग्जांपल देखते हैं तो एकदम आपको आराम से समझ में आ जाएगा उसके पहले हमें वो वंस टेंस पढ़ना पड़ेगा मतलब उसकी प्लेस पढ़ना पड़ेगा जैसे कहते हैं ना मैं आपका एड्रेस क्या है कोई बोलेगा पुणे है पुणे में हड़पसर में रहता हूँ कोई बोलेगा दिल्ली में चांदनी चौक में रहता हूँ कोई बोलेगा मुंबई में कोलाबा में रहता हूँ तो यहाँ पर नंबर की प्लेस है जो नंबर सबसे लास्ट में लिखा जाता है उसको हम वंश कहते हैं ये बच्चों आपको अपने नोटबुक में लिखना तो है ही अच्छे से याद करना है क्या कहा मैंने इसको अच्छे से याद करना है अगर याद नहीं करेंगे तो ये फिर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत आपके साथ आ जाएगी तो जो डिजिट सबसे राइट साइड में होता है उसको हम वंस कहते हैं जो मतलब जो राइट साइड दूसरा है मतलब हम इस दिशा में जा रहे हैं ठीक है, है ना तो सबसे राइट में राइट साइड में था वंश उसके बैक साइड वाला टेंस उसके बैक साइड वाला हंड्रेड उसके बैक साइड वाला थाउजेंड एंड उसके बैक साइड वाला टेन थाउजेंड बार में फिर पढ़ता हूँ वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड ठीक है तो ये आपको याद करना है यही हमारी प्लेस है जो भी नंबर हो डिजिट जो भी हो जो सबसे राइट right में होगा उसको हम वंस कहते हैं जो सेकंड लास्ट होगा उसको हम टेंस कहते हैं थर्ड्स है उसको राइट right साइड से लेफ्ट चल रहा है हमें हमें कहाँ जाना है राइट right से लेफ्ट राइट right से लेफ्ट तो पहला डिजिट है वो वंस दूसरा है वो टेंस तीसरा है वो हंड्रेड्स चौथा है वो थाउजेंड्स पांचवा है वो टेन थाउजेंड उसके पीछे लैख टेन लैख होता है आपको यहाँ तक ही पढ़ना है आपकी क्लास के लिए ठीक आप चलते हैं एग्जाम्पल्स में राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ गिवन डिंग क्या है आपकी राइट द प्लेस वैल्यू राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट्स राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट डिजिट इन गिवन नंबर इन गिवन नंबर ये इस तरह क्वेश्चन आ सकता है चलिए और भी इसमें तो एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं हम उसके बारे में बारी बार चर्चा करेंगे अब देखिए मैंने एक नंबर लिखा फोर फाइव थ्री और मैंने अंडरलाइन की इसको अब मैंने पूछा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव इन द फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री क्वेश्चन क्या है व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव इन फोर हंड्रेड फिफ्टी थ्री मतलब इस नंबर में इस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है ठीक है तो आपको क्या करना है इसको याद करना है किसे ये पहले वाले को हम वंस कहते हैं दूसरे वाले को टेंस कहते हैं उसके बाद हंड्रेड उसके बाद थाउजेंड उसके बाद टेन थाउजेंड पहले वाले को हमने वंस कहा था इसको हम टेंस कहेंगे इसको हम टेंस कहेंगे तो टेंस का मतलब होता है टेन टेंस का मतलब होता है टेन तो याद रखिए इसकी प्लेस वैल्यू है बच्चों टेंस इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं का मतलब टेन। मतलब एक जीरो आगे देना है एक जीरो आगे देना है है ना और देखते हैं आपको दोनों में से एक आंसर लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं या तो ये ज्यादा सही रहेगा ठीक है लेकिन ये भी सही है ये भी सही है आप देखते दूसरा एग्जाम्पल इसमें हम देखेंगे इसकी सॉरी इसकी प्लेस वैल्यू क्या है अब जैसे मैंने कहा काउंट करो पहले को हम कहेंगे वंस पहले को मतलब तो राइट साइड वाले को देन टेंस देन हंड्रेड्स देन हंड्रेड्स तो इसका आंसर आएगा मतलब आपका आंसर है हंड्रेड्स इस ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है ये आपका सेकंड एग्जांपल है तो इसका आंसर हो गया हंड्रेड्स अब मैंने क्या हंड्रेड मतलब दो जीरो आने चाहिए टेंस मतलब एक जीरो हंड्रेड मतलब दो जीरो ठीक है ना तो ये हमें क्या करना है यहाँ दो लिखना है ये भी आपका आंसर है दो के आगे दो जीरो देने हैं दो जीरो क्यों दिए समझ में आया आपको बच्चों दो जीरो इसलिए दिए कि ये हंड्रेड हैं हंड्रेड में दो जीरो आते हैं और एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ आपको ये टू के आगे कितने डिजिट हैं दो टू के आगे कितने डिजिट हैं दो तो हमने यहाँ दो जीरो दे दिए फाइव आगे कितने डिजिट हैं फाइव के आगे एक डिजिट है हमने एक जीरो दे दिया चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों आप देखिए मुझे इस एग्जाम में एग्जांपल में मुझे मैंने इसको अंडरलाइन किया अभी इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है तो आपको करना क्या है वो आपने याद किया होता ही है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड क्या वंस इसको टेंस कहेंगे इसको हंड्रेड कहेंगे इसको थाउजेंड कहेंगे इसको तो हमने वंस कहा था तो इसका आंसर हम लिखेंगे वंस और इसका आंसर हम वन ही लिखेंगे वन इसलिए क्योंकि लास्ट में वन है चलिए कन्फ्यूजन निकाल देते और एक एग्जांपल लेते बच्चों और एक example लिया जाएगा एट वन सॉरी और फाइव एट वन फाइव अब इस एट वन फाइव में फाइ की प्लेस वैल्यू क्या है तो जैसे अभी हमने पढ़ा था वंस टेंस हंड्रेड तो इसकी वैल्यू वंस है वंस मतलब फाइ है तो इसकी वैल्यू फाइ रहेगी या आप इसको वंस भी लिख सकते हैं आया समझ में आपको वंस प्लेस की मतलब जो जैसा है वैसे लिखना है वन्स प्लेस में बच्चों जो नंबर दिया है उसको वैसे ही लिखना है एग्जांपल नंबर फाइव सिक्स एट थ्री फाइव अब मैंने अंडरलाइन किया है इसको ठीक है अब काउंट करेंगे है ना आपको याद रहना है वो काउंटिंग है ना वो लिख लिख के याद करना है बच्चों चले स्टार्ट वंस टेन्स हंड्रेड थाउजेंड थाउजेंड प्लेस में है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई थाउजेंड टी एच ओ यू एस ए एन डी स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा थाउजेंड्स अब मैंने शॉर्टकट ट्रिक क्या बताया था आपको कि ये सिक्स के आगे कितने डिजिट हैं सिक्स के आगे तीन डिजिट हैं बस हमें क्या एकदम आसान काम हो गया सिक्स को हमने लिखा उसके आगे तीन डिजिट है ना एक दो तीन तो हमने तीन जीरो दे दिए हो गया हमारा काम थाउजेंड का, का मतलब ही होता है तीन जीरो थाउजेंड का मतलब भी होता है तीन जीरो हमने दे दिए ठीक है अब इसका एक आ, अलग तरह का क्वेश्चन भी आता है वो मैं आपको ले रहा हूं इस तरह से क्वेश्चन आता है बच्चों राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ राइट द्लेस वैल्यू ऑफ राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द गीवन डिजिट ऑफ द गीवन डिजिट इन गीवन न्यूमरिकल इन गीवन न्यूमरल मतलब कैसे आप देखो क्वेश्चन के फॉर्मेट अलग है बच्चों बाकी सब कुछ सेम है तो फॉर्मेट भी अपन देखना जरूरी है देखिए फोर इन थ्री एट फोर आपको आ रहा है बच्चों समझ में ये फोर की प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं आपको किसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं फोर की इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट द प्लेस वैल्यू ऑफ फोर इन द गिवन न्यूमरल ये जो हमें नंबर दिया है उस नंबर में इस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है तो बाकी तो सब कुछ सेम है कौन करिए वंस टेंस हंड्रेड तो ये वंस प्लेस में है ना तो इसका आंसर आएगा वंस और दूसरा आंसर आएगा इसका फोर आया ना समझ में आपको बाकी करना आपको सेम है बस उसका फॉर्मेट अलग दिया हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं यह इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया सेकंड एग्जाम्पल फाइव इन फोर फाइव फोर मतलब इस नंबर में इसकी प्लेस वैल्यू क्या है ठीक है तो काउंट करिए वंस टेंस हंड्रेड तो प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ गई टेंस में आ गई ना फाइव की तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे टेंस और आंसर लिखेंगे फाइव के आगे कितने जीरो हैं सॉरी फाइव आगे कितने डिजिट्स हैं एक ही डिजिट है ना वो वो है फोर एक डिजिट है एक डिजिट मतलब फाइव को आगे फाइव के आगे एक जीरो फाइव के आगे एक जीरो इसके पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ होमवर्क देना चाहूँगा क्या होमवर्क है ये होमवर्क भी आपको करना है देखिए मैं नंबर दे रहा हूँ एक एक हो है सेवन एट सिक्स टू एट तीसरा वाला सेवन नाइन वन वन और चौथा एग्जांपल है टू वन इसको अंडरलाइन डिजिट देता हूँ इसको अंडरलाइन करूँगा इसको ये इसको और ये इसको तो आपकी इसको क्या लिखनी है बच्चों प्लेस वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है इसका प्लेस वैल्यू तो आपको इसको घर में अच्छे से करना है नहीं समझा तो पीछे जाके वीडियो देखना है चलिए तो ये दो एग्जांपल्स हमने देख लिए ठीक है तो और एक एक दो एग्जांपल लेते हैं हम देखिए थ्री इन फोर थ्री वन टू हमें क्या करना है थ्री की प्लेस वैल्यू मतलब इसकी ढूंढनी है हंड्रेड तो नहीं करना है लेकिन हमें थ्री की प्लेस वैल्यू इस नंबर में ढूंढनी है तो थ्री यहाँ पर है काउंट करिए ना वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड थ्री यहाँ है है ना तो हंड्रेड प्लेस पे है तो इसका आंसर क्या हो गया हंड्रेड और दूसरा आंसर होगा इसका थ्री हंड्रेड क्यों थ्री हंड्रेड शॉर्टकट के अनुसार थ्री के आगे दो डिजिट है हमने दो जीरो दे दिए तो आप जनरली इस फॉर्मेट में आंसर लिखिएगा इसमें नहीं लिखा तो भी चलेगा ये आपका आंसर ज़्यादा सही है ज़्यादा करेक्ट है तो आपको ये वाला आंसर ही लिखना है थर्ड क्लास में ये आंसर लिखने से भी मार्क मिलेंगे लेकिन फोर्थ ऑनवर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको ये लिखने से मिलेंगे इसलिए इसी की प्रैक्टिस करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है तो ये हो गया प्लेस वैल्यू के बारे में अब हम देखेंगे फेस वैल्यू अब हम देखेंगे फेस फेस वैल्यू क्या है देखिएगा फेस मतलब चेहरा जिसको हम कहते हैं है, है ना चेहरा मतलब जो सा दिखता है जैसे तो यहाँ पर फेस वैल्यू का मतलब देखिए बच्चों डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको पहले मैं ये डेफिनेशन आपको लिखना है अपने नोटबुक में समझना भी है फेस वैल्यू इज सिंपली डिफाइन एज द डिजिट इट्स सेल्फ विद इन अ नंबर फेस वैल्यू इज सिंपली डिफाइंड द डिजिट इट सेल्फ वो डिजिट की वैल्यू नंबर में जो जो डिजिट है वही वैल्यू चलिए एग्जांपल देखते हैं तो आपको एग्जाम आसानी से समझ में आ जाएगा है ना थ्री हेडिंग लिखते हैं हेडिंग क्या हो गई राइट द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द फॉलोइंग न्यूमरल जो न्यूमेरल्स दिए जाएंगे अंडरलाइन किए जाएंगे उसका आपको फेस वैल्यू लिखना है आप देखिए मैं लिखता हूँ एक फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए वन थ्री एट अब मुझे इसकी फेस फेस वैल्यू लिखनी है फेस मतलब क्या दिख रहा है नंबर थ्री बस हो गई इसकी फेस वैल्यू दूसरा एग्ज़ाम्पल फोर सिक्स एट इसमें ये इसकी फेस वैल्यू क्या है वही नंबर फेस वैल्यू मतलब वही नंबर कितना आसान है बच्चों फेस मतलब जो दिख रहा है वो फेस मतलब जो दिख रहा है वो जिसको अंडरलाइन किया वही उसके वही आंसर है आपका देखिए और नाइन एट सिक्स सेवन अब इसमें हमने अंडरलाइन किया इसको तो इसकी फेस वैल्यू क्या है नाइन है ना आसान एकदम आसान है बच्चों एकदम बिल्कुल आसान है ना थ्री एट सिक्स में इसकी प्लेस वैल्यू क्या है सिक्स तो हमें यहाँ पर वन स्टेंस भी काउंट नहीं करना है जो दिख रहा है वही उसका आंसर है तो इसलिए तो फेस वैल्यू का है ना जो दिख रहा है ना चलिए अब होमवर्क के लिए कुछ लेते हैं होमवर्क आपको करना है आराम से घर बैठ के मैं चार एग्जांपल दूंगा आपको इसमें अंडरलाइन करके आ गया थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेल्व है ना थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेल्व में एट का फेस वैल्यू क्या है फोर थाउजेंड टू हंड्रेड इलेवन में वन की फेस वैल्यू क्या है ट्वेंटी वन में टू की फेस वैल्यू क्या है सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड सॉरी सेवन हंड्रेड एटी वन में एट की फेस वैल्यू क्या है आपको आया समझ में तो ये आपको लिखना है आपके होमवर्क में अभी देखिए अब एक न्यू क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है जहां पर आपको दोनों ढूंढने हैं प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू भी है ना तो देखो आपको जो नंबर दिया जाएगा बच्चों इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है चलिए बहुत आसान है मैं पहले दो एग्जांपल लिखता हूँ फिर हम उसका दो तीन का एक यहाँ थोड़ा मैं टेबल लिखूँगा यहाँ पर आएगा नंबर इसका प्लेस वैल्यू पी वी एंड फेस वैल्यू एफ वी ऐसा शॉर्टकट नहीं कर सकते लेकिन मेरे पास जगह कम है मोबाइल में इसके लिए मैंने किया है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ठीक है अब नंबर मैं ले लेता हूँ टू थ्री दूसरा नंबर फोर सिक्स एट तीसरा एग्जांपल नाइन वन सिक्स अब हम उसको अंडरलाइन करता हूँ देखिए यहाँ अंडरलाइन किया इसको यहाँ किया और इसको यहाँ किया चलिए अब एक एक देखते हैं देखिए इसके पहले हम सबका प्लेस वैल्यू निकालेंगे काउंट करो वंस टेंस टेंस मतलब हमें टेंस नहीं लिखना है यहाँ पर हमें लिखना है ट्वेंटी ट्वेंटी क्यों लिखा टू के आगे एक डिजिट है और वैसे भी टेंस मतलब टेन होता है तो टेन टू जै ट्वेंटी होता है। तो मैंने क्या कहा था जो अंडरलाइन डिजिट है उसके आगे कितने डिजिट्स हैं उसके आगे एक ही डिजिट है तो ये हमने एक जीरो दे दिया अब यहाँ आइए यहाँ तो वंश वाला ही है तो वंश वाला तो मैंने बताया था जैसे कि वैसे लिखना है यही इसकी प्ले प्लेस वैल्यू है नेक्स्ट काउंट करिए वंस टेंस हंड्रेड अब ये हंड्रेड तो आ गया नाइन के आगे दो डिजिट है ना तो हम यहाँ नाइन के आगे दो जीरो दे देंगे ठीक अब हम लिखेंगे फेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या बताया था मैंने बच्चों आपको फेस वैल्यू का मतलब होता है जो नंबर जैसे दिया है वैसे लिखा तो ये टू इसकी प्लेस वैल्यू टू ये एट इसकी प्लेस वैल्यू एट फेस वैल्यू सॉरी और ये nine, इसकी फेस वैल्यू भी नाइन गया ना आपको समझ में तो फेस वैल्यू बहुत आसान है बच्चों प्लेस वैल्यू के लिए काउंट करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा फेस वैल्यू के लिए ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है ठीक है चलिए और दो चार एग्जाम्पल और होमवर्क देखते हैं देखिए चलिए मैं लिख रहा हूँ फटाफट फोर वन सेवन टू वन थ्री नाइन एट सिक्स वन एटी वन एंड नाइन थ्री थ्री नाइन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री अब मैं अंडरलाइन करूँगा इस डिजिट को एक एक को देखिए ठीक है चलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया बच्चों हाँ अभी हमारा फाइनल हो गया तो हम पहले लिखेंगे प्लेस वैल्यू है ना अब बाद में लिखेंगे फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बस इसमें से मैं दो करके दूंगा तीन आपका होमवर्क है तो इसमें काउंट करिए वंस टेन्स हंड्रेड है ना तो मतलब फोर के आगे दो डिजिट हैं तो हम इसके आंसर में क्या करेंगे फोर के आगे दो जीरो दे, दे देंगे ठीक है अब इसका देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड आई रिपीट वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टू के आगे तीन डिजिट्स हैं तो टू के आगे हम तीन जीरो दे देंगे फेस वैल्यू देखिए यहाँ फोर है आपको यहाँ पर फोर लिखना है आपको यहाँ टू दिख रहा है तो यहाँ आपको टू लिखना है ये इसका आंसर है ये इसका आंसर ठीक है थीके? ये यहाँ का हो गया ये यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह तो का ये फोर ये नीचे और आपका जो ये तीन मैंने छोड़ा है ये आपको किसके लिए छोड़ा है ये आप काम करेंगे यहाँ पर आपका ये होमवर्क है तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स करिए वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें